कल शाम को वो लोग आए थे। आए थे, लेकिन मैंने उनको दरवाजे से ही वापस भेज दिया। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी ये फालतू हरकतों की वजह से मैडम को चांटा पड़ा ना कश्मीरा से, तो मैं आपको कभी माफ करूंगा नहीं। मेरे जूते की लेस कह दे रहे मेरे दामाद से। कल तो मैंने ही कश्मीरा को रोका था ये बोल के कि उसके कान बज रहे हैं। अभी मूड कैसा है लड़की का? देखे घुसुर फुसुर चल रही है सास दामाद के बीच में। जब दो बड़े लोग बात कर रहे हो ना, तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। यहाँ कौन बड़ा सा है? मैं बड़ा हूँ, तेरी माँ बड़ी है। तू मम्मी जितना बड़ा तो ना सा है। तो तू क्या तेरी माँ से भी बड़ा है क्या? ये लो। बेबी कैसा मूड है? क्या बेबी बेबी बेबी, नींद ही पूरी नहीं हुई है मेरी। एक तो इतने अजीब से सपने आ रहे, सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ। क्या देख लिया? मैंने देखा कि हमारे घर में एलियन आ गया। इस वजह से नींद खुल गई बेबी? हाँ तो खुलेगी ना। रे जीजी, तने रात में कोई फिल्म देख ली होगी एलियन की। बेबी स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेस लेके बैठी हो ना अपने दिमाग में उलझल उल बातों का, मार पीट दूंगी, झापड़ मारूंगी, चाटा मारूंगी, ये सब निकालो बेबी कचरा। और स्पेशली मैडम के बारे में तो ऐसा मत सोचो यार, हल्का लगेगा। क्या बे? कहाँ? जाओ जाओ, बुला रहा है तुमको। संजू, तो तुमने सपना देखा था ना, आ गया लेने वो। जाओ जाओ, इसको ले जाओ, इसको ले जाओ। बिट्टू कहाँ छुपा बैठा है, चल बाहर निकल, सबको डरा रहा है। सॉरी कश्मीरा, ये मेरा भांजा है, अभी कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहने के लिए आया है ना, बहुत बदमाश हो गया है। नाची बाय साजन। डरो मत डरो मत, चल। संजू थोड़ी देर के लिए ही सही, पर मेरा सपना तो सच हुआ ना, मतलब मुझे आगे होने वाली चीज पहले दिख गई। हाँ, ऐसी बोगस नकली चीजें दिख रही है सपने में। नकली एलियन था वो, बिट्टू था।